और अब आधा मिनट पूरी खबर। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह की नई तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में गर्भगृह की भव्यता देखते ही बन रही है आप भी। ये तस्वीर पिछले कुछ दिन पहले आई तस्वीर से ज्यादा खास है। इसमें तस्वीर में दीवारों पर अद्भुत नक्काशी देखी जा सकती है, जबकि बीचों बीच एक चबूतरा जैसी आकृति नजर आ रही है जिस पर रामलला विराजमान होंगे। गर्भगृह की ये झलक करोड़ों राम भक्तों के लिए बेहद खास है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। 121 पुजारियों की टीम उनके हाथों से राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला को विराजमान कराएगी। इन ऐतिहासिक पलों के गवाह पूरे देश के साथ साथ विदेशों में बसे श्री राम के श्रद्धालु भी बनेंगे। और भव्य राम मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए अयोध्या तैयार हो रही है। इससे पहले 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। देखिए, अत्याधुनिक और भव्य अयोध्या रेलवे स्टेशन जिसका 30 दिसंबर को पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। ये स्टेशन जितना मैथोलॉजिकल है उतना ही आधुनिक। बाहर से ये स्टेशन किसी आलिशान मंदिर से कम नहीं लगता, वहीं इसका आंतरिक रूप किसी मल्टीप्लेक्स या मॉल से भी खूबसूरत है। ये स्टेशन एलिवेटर, फूड कोर्ट और तमाम सुविधाओं से लैस है। पूरे स्टेशन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी तरह की किसी को कोई असुविधा न हो। इसमें अलग अलग तरीके के एस्केलेटर लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं,